यूट्यूब के लेटेस्ट वीडियोज, ब्रेकआउट स्टॉक्स और जो कुछ भी मैं यहां शेयर नहीं कर पा रहा हूं, साथ साथ स्टॉक मार्केट के लेटेस्ट न्यूज के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ आप टेलीग्राम पे स्टॉक बाजार ओरिजिनल सर्च करें और इस तरह का कुछ आइकन दिखेगा, उसे ज्वाइन कर लें। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक्स बाजार में। इस वीडियो में हम बात करेंगे मार्केट के ब्रॉडर व्यू के बारे में, जो हम वीकली बेसिस करते हैं। हर वीक, हर सैटरडे और संडे को हम जानते हैं कि आगे मार्केट क्या कर सकता है, अभी मार्केट का किस सिनेरियो पे है, मतलब निफ्टी हमारा किस सपोर्ट या रेसिस्टेंस पे है, किसको ब्रेक करेगा तो अप मूवमेंट आएगा, किसको ब्रेक करेगा डाउन मूवमेंटम आएगा। साथ ही साथ क्रूड ऑयल क्या कर रहा है, डॉ जोन्स क्या कर रहा है, मतलब जो मार्केट का जो ब्रॉडर व्यू है उसको डिस्कस करेंगे। रुपया डॉलर के मुकाबले स्ट्रॉन्ग हो रहा है या वीक हो रहा है, कौन सा इंडेक्स जो है बुलिश है, कौन सा इंडेक्स बेयरिश है, तो इन सभी चीजों को हम इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इंडियन मार्केट का। इंडियन मार्केट का जो हमारा बेंचमार्क इंडेक्स है, जिसको हम मार्केट के व्यू के लिए डिस्कस करते हैं, वो है निफ्टी। मार्केट के व्यू जानना हो तो निफ्टी हमारा क्या कर रहा है, मतलब जो टॉप 50 कंपनी है हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट की, वो कंपनियां क्या कर रही है, वो कंपनियां एक साथ मिलकर के कंबाइन होकर के निफ्टी इंडेक्स बनाती है। तो निफ्टी इंडेक्स हमारा क्या कर रहा है, ये हम देखिए एक क्रूशियल जो सपोर्ट लेवल है निफ्टी उसके आसपास है। अगर इस सपोर्ट को ब्रेक करता है तो हम पूरी तरह से यहाँ पर मार्केट में बेरिश हो जाएंगे, मतलब ये सपोर्ट जो है डू एंड डाई है। इसके बाद निफ्टी में एक जोरदार गिरावट हो सकता है अगर इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक करता है। पिछली बार भी हम यहाँ पर आए थे, लेकिन यहाँ से देखिए दो बार जंप कर चुके हैं, तीसरी बार हम इसके करीब हैं। और जो पिछला दिन है डॉ जोन्स भी काफी डाउन रहा है, तो हो सकता है हम इस सपोर्ट को ब्रेक करें, लेकिन इस सपोर्ट के नीचे हमारा क्लोजिंग होना काफी इंपॉर्टेंट है। अब मान लीजिए इसके नीचे हम ओपन होते हैं, फिर से ऊपर ही जाकर क्लोज देते हैं, तो फिर इस सपोर्ट को ब्रेक नहीं कर सके, मतलब सपोर्ट को ब्रेक करने का थे हम इसके नीचे क्लोजिंग दें और एक दो दिन तक इसके नीचे ट्रेड करें, फिर यहाँ पर हम काफी ज्यादा वीक हो जाएंगे। और फिर जो हमारा यहाँ पर नेक्स्ट सपोर्ट होगा वो होगा 15,980, ये हमारा सपोर्ट होगा यहाँ पर। और नीचे का जो यहाँ पर ये सपोर्ट रीजन होगा नीचे आकर के, ये जो 15,980 होगा, इससे नीचे का यहाँ तक का जो रीजन है 15,500, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का जो रीजन है वो सपोर्ट रीजन होगा अगर इसको हम ब्रेक करते हैं। तो पहले इसको ब्रेक करना काफी इंपॉर्टेंट है, उसके बाद हम देखेंगे कि क्या वो नीचे तक जाता है या नहीं। यहाँ पर बात करें तो जो निफ्टी है वो पूरी तरह से बेयरिश यहाँ पर देख सकते हैं, ट्रेंड लाइन बनाया है, इस ट्रेंड लाइन के पास गया, तीन बार रिजेक्ट हो चुका है, मतलब ये एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस के रूप में काम कर रहा है। अगर इस रेसिस्टेंस लाइन मतलब ये ट्रेंड लाइन को क्रॉस करके निफ्टी ऊपर चला जाता है तो हम फिर निफ्टी को बुलिश मानेंगे। तो अभी हम पूरी तरह से बेयरिश है, अभी स्टॉक लगातार आपको जो अच्छे अच्छे स्टॉक्स है वो काफी सस्ते प्राइस पे आपको मिलेंगे, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर 2800 रुपये से ऊपर जा चुका था वो स्टॉक्स, और अभी आपको मात्र 2200 के आसपास मिल रहा है। तो वैसे अच्छे फंडामेंटल सॉलिड स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं, ये बेस्ट टाइम है ऐसे फंडामेंटल सॉलिड शेयर को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने का। तो आपको इस सब स्टॉक्स को ऐड कर सकते हैं क्योंकि मार्केट लगातार यहाँ पर गिर रहा है, अगर इस सपोर्ट को ब्रेक करता है तो फिर यहाँ पर एक और बड़ी गिरावट यहाँ पर 1000 पॉइंट्स का हो सकता है, जो कि एक बड़ी गिरावट लाएगा मार्केट में और आपको स्टॉक जो है काफी सस्ते प्राइस पे मिलेंगे। तो अभी निफ्टी पूरी तरह से डाउन ट्रेंड में है और पूरी तरह से यहाँ पर बेयरिश पैटर्न बना हुआ, और ये ट्रेंड लाइन जो है रेसिस्टेंस ट्रेंड लाइन है और ये जो लाइन है सपोर्ट लाइन है। अब हम देखते हैं क्या सपोर्ट ब्रेक होता है, क्या हम सपोर्ट के नीचे सस्टेन करते हैं या नहीं। अगर सस्टेन करते हैं तो फिर आपको वेट करना है मार्केट में रिवर्सल का, फिर बाई करना है। जो अच्छे स्टॉक्स है अपने पोर्टफोलियो में या अपने वॉच लिस्ट में उसको ऐड करिएगा, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया आपको काफी सस्ते प्राइस में मिल रहे हैं, बिट इंडिया हो गया, उस तरह बजाज ऑटो हो गया काफी सस्ते प्राइस में आपको मिल रहे हैं। फिर बात करते हैं हम बैंक निफ्टी का। देखिए बैंक निफ्टी तो निफ्टी से भी ज्यादा बेरिश है और ये तो पूरी तरह से डाउन ट्रेंड में है, ये यहाँ पर पिछली बार सपोर्ट लिया था, जो पिछला सपोर्ट यहाँ पर है उसको ब्रेक करता है निश्चित रूप से काफी नीचे जाएगा। और यहाँ पर बैंक निफ्टी में अगर गिरावट होती है निश्चित रूप से ये निफ्टी को भी नीचे लेके आएगा, क्योंकि लगभग 22% तक बैंक निफ्टी का कंट्रीब्यूशन है निफ्टी में, मतलब जो बैंक निफ्टी में स्टॉक्स है वो यही स्टॉक्स निफ्टी में भी है, काफी ज्यादा मेजर कंट्रीब्यूशन रखता है निफ्टी 50 में। बैंक निफ्टी के फिलहाल बुलिश होने की कोई संभावना नहीं है क्योंकि काफी ज्यादा बेरिश है। जब तक बैंक निफ्टी 37,400 के ऊपर नहीं चला जाता है तब तक ये बुलिश नहीं हो सकता है। फिर अगला है सेंसेक्स। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों लगभग सेम पैटर्न को फॉलो कर रहा है, क्योंकि जो मेजर कंट्रीब्यूशन वाली कंपनियां है सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में सेम ही है। तो यहाँ पर देखिए ये भी ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, फिर यहाँ पर सपोर्ट को फॉलो कर रहा है। तो 56,600 को अगर ब्रेक करता है तो
फिर सेंसेक्स काफी ज्यादा यहाँ पर डाउन ट्रेंड में हो जाएगा, फिर बड़ी गिरावट सेंसेक्स में हो सकती है। अब बात कर रहे हैं निफ्टी जूनियर, जिसको हम निफ्टी नेक्स्ट 50 के नाम से जानते हैं, ये भी काफी यहाँ पर देख सकते हैं बेरिश है अपने सपोर्ट के पास है। एक बार यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पर सपोर्ट लिया, देखिए यहाँ पर लगातार ये भी यहाँ पर सपोर्ट के पास है, तो यहाँ पर सपोर्ट ये भी ब्रेक कर रहा, काफी ज्यादा यहाँ पर बेरिश हो जाएगा। तो सब के सब जो लगभग इंडेक्स है वो बेरिश हो चुके हैं, तो यहाँ पर निफ्टी अपना सपोर्ट ब्रेक करता है, निश्चित रूप से ये सारे इंडेक्स अपना सपोर्ट ब्रेक करेंगे। उसके बाद निफ्टी मिड कैप, निफ्टी मिड कैप भी देखते हैं काफी ज्यादा बेरिश है, लेकिन जो निफ्टी बैंक है उससे कम बेरिश है। निफ्टी मिड कैप ये भी बेरिश हो चुका है, यहाँ पर ये भी अपना सपोर्ट यहाँ पर देखते हैं, पिछला बार जो यहाँ पर रिजेक्शन लिया था, यहाँ पर पिछले बार भी रैली हुआ था यहीं से, फिर यहाँ पर ये पहुंच चुका है। तो यहाँ पर अगर ये 8,100 को ब्रेक करता है तो फिर ज्यादा बेरिश हो जाएगा निफ्टी मिड कैप। फिर बात करें डिफरेंट डिफरेंट इंडेक्स का, तो डिफरेंट डिफरेंट इंडेक्स में हम सपोर्ट नहीं जानेंगे, सिर्फ इसका देखेंगे कि ये किस मतलब बेरिश पैटर्न में है या बुलिश पैटर्न में। देखिए निफ्टी FMCG काफी ज्यादा बेरिश है, लगातार यहाँ पर लोअर हाई बना, देखिए यहाँ पर जो हाई बना दोनों सेम हाई बना, लेकिन ये जो हाई बना लोअर हाई बना, फिर ये लोअर हाई बनाया, तो लगातार लोअर हाई और यहाँ पर लोअर लो बना रहा है, तो लोअर हाई लोअर लो मतलब ये निफ्टी FMCG जो पूरी तरह से डाउन ट्रेंड में है। अब देखिए फिर बात आते हैं निफ्टी IIT, ये इंडेक्स जो है अभी साइडवेज है, देखिए यहाँ पर साइडवेज मोमेंटम बिल्कुल साफ दिख रहा है, ये सपोर्ट लाइन है, ये रेसिस्टेंस, अभी भी निफ्टी IIT जो वो रेसिस्टेंस लाइन के आसपास है, तो मतलब अभी भी निफ्टी IIT जो काफी स्ट्रॉन्ग है, इसके इस सेक्टर के स्टॉक्स को आप गिरावट में बाय कर सकते हैं, जो सेक्टर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर देखिए निफ्टी फार्मा, ये तो काफी ज्यादा बेरिश है, लगातार यहाँ पर देखिए लोअर हाई बन रहा है, ये हाई लगभग सेम था, फिर ये जो हाई बना वो लो बना, फिर यहाँ पर देखिए ये जो लो बनाया है तीनों लो सेम है, मतलब इस लो को ब्रेक करता है जो कि ट्रिपल बॉटम है, तो काफी ज्यादा यहाँ पर बेरिश होगा, लगातार अपने सपोर्ट के पास आ रहा है ये इंडेक्स, मतलब कहीं ना कहीं वीकनेस काफी ज्यादा है और सपोर्ट को ब्रेक करता है, काफी तेजी से गिरावट देखने मिलेगा फार्मास्यूटिकल के जो भी स्टॉक्स हैं। उसके बाद है निफ्टी फाइनेंस, निफ्टी फाइनेंस तो पूरी तरह से बेरिश है, फाइनेंस सेक्टर तो काफी ज्यादा वीक है, चार्ट पर लगातार लोअर हाई बना रहा है और लोअर लो बना रहा है, यहाँ पर लगभग सपोर्ट में अपना ब्रेक कर चुका है, बस थोड़ा सा नीचे आना है, सपोर्ट ब्रेक हो गया, निश्चित रूप से फाइनेंस सेक्टर के स्टॉक्स में आपको गिरावट देखने मिलेगा, जैसा देखने भी मिला जो बजाज फाइनेंस उसके स्टॉक्स में काफी ज्यादा हमें गिरावट देखने मिला। फिर है निफ्टी ऑटो, ऑटो सेक्टर, देखिए यहाँ ऑटो सेक्टर भी काफी भयंकर गिरावट हुआ था मार्केट के साथ, यहाँ पर रिकवरी भी काफी कम हुआ है, तो कहीं कहीं ऑटो सेक्टर भी वीक है, क्योंकि यहाँ लोअर हाई बन रहा है लगातार, तो लगातार लोअर हाई बने और यहाँ पर सपोर्ट ब्रेक करे, निश्चित रूप से निफ्टी ऑटो सेक्टर भी काफी ज्यादा यहाँ पर वीक हमें देखने मिलेगा अगर यहाँ पर सपोर्ट ब्रेक होता है, जो कि है 10,550 का। फिर निफ्टी मेटल, निफ्टी मेटल तो यहाँ पर देख सकते हैं कि निफ्टी मेटल भी यहाँ पर चार्ट पे वीक हो चुका है, लेकिन अभी ये अपने सपोर्ट से काफी ऊपर है, तो थोड़ा सा इसमें कम वीकनेस है निफ्टी मेटल में, लेकिन जैसा कि हमें निफ्टी बैंक में, निफ्टी फाइनेंस सेक्टर में, ये सब में फार्मा सेक्टर में काफी ज्यादा वीकनेस देखने मिला, अभी भी ये सपोर्ट रीजन से काफी ऊपर है, तो अभी भी मेटल सेक्टर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है। फिर जो रियलिटी सेक्टर है, देखिए ये भी अपना सपोर्ट लगभग ब्रेक कर चुका है, तो यहाँ पर ये जो रीजन है जो कि 471 इसको ब्रेक करता है तो काफी ज्यादा बेरिश हो जाएगा रियलिटी सेक्टर। फिर देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ डबल टॉप लगाने के बाद यहाँ से रिजेक्शन हुआ, लगातार यहाँ पर लोअर हाई बना रहा है, ये हाई बनाया, ये भी लोअर, ये हाई बनाया, फिर यहाँ पर लोअर लोअर हाई बन रहा है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर भी वीक है और यहाँ पर अपना सपोर्ट भी ये ब्रेक कर चुका है, सपोर्ट रीजन ब्रेक करके यहाँ पर क्लोजिंग भी दे चुका है, तो फिर अगले दिन ये काफी ज्यादा यहाँ पर गैप डाउन यहाँ पर ओपन हो सकता है, क्योंकि सपोर्ट इसमें लगभग ब्रेक हो चुका है, अगर मार्केट में गिरावट होती है तो निश्चित रूप से ये सेक्टर अपने सपोर्ट को ब्रेक करेगा, तो इस सेक्टर के स्टॉक्स में आपको काफी ज्यादा करेक्शन देखने मिल सकता है या गिरावट देखने मिल सकता है। फिर अगला है मीडिया सेक्टर, जो कि काफी स्ट्रॉन्ग था पिछले कई वीक से, और यहाँ पर मीडिया सेक्टर में भी गिरावट हो रहा है, लेकिन अभी भी मीडिया सेक्टर काफी स्ट्रॉन्ग है, तो आप इसके शेयर को गिरावट में बाय कर सकते हैं। फिर अगला है कंज्यूमर सेक्टर, देखिए कंज्यूमर सेक्टर के स्टॉक्स में भी सेम निफ्टी के तरह चार्ट बना है, यहाँ पर निफ्टी अपना सपोर्ट ब्रेक नहीं किया है, लेकिन कंज्यूमर सेक्टर के जो इंडेक्स है वो अपना सपोर्ट ब्रेक कर चुका है, मतलब कंज्यूमर सेक्टर के स्टॉक्स में कहीं ना कहीं काफी ज्यादा वीकनेस है, तो यहाँ पर आप इस बाइंग कर सकते हैं गिरावट में, जो फंडामेंटली सॉलिड शेयर है। फिर बात करते हैं हम क्रूड ऑयल का, तो देखिए क्रूड ऑयल काफी ज्यादा रिजर्व जो अपना इंडिया यूज करेगा, साथ साथ क्रूड ऑयल वार जो था उसमें काफी ज्यादा प्राइस में यहाँ पर गिरावट देखने मिला, फिर यहाँ पर अपने जो सपोर्ट रीजन है उसके आसपास से यहाँ पर क्रूड ऑयल में प्राइस में बाउंस बैक देखने मिला, अभी फिलहाल क्रूड ऑयल का जो प्राइस है पिछले वीक से वो साइडवेज है, और यहाँ पर जो रेसिस्टेंस लेवल है वो है 5,560 का, और जो नीचे सपोर्ट रीजन बना रखा है वो है
5300 का, तो इसके बीच अभी क्रूड ऑयल पिछले वीक से ट्रेड कर रहा है, तो जैसे ऊपर रेसिस्टेंस लेवल को ब्रेक आता है तो हम बुलिश हो जाएंगे और नीचे सपोर्ट रीजन को ब्रेक आता है तो फिर हम बेयरिश हो जाएंगे। उसके बाद है गोल्ड। देखिए गोल्ड का जो मोमेंटम है, गोल्ड में काफी तेजी पिछले सप्ताह से देखने मिला है। जब जब मार्केट में, स्टॉक मार्केट में आपको गिरावट देखने मिलेगा तब तक गोल्ड में तेजी देखने मिलता है। जैसे जैसे हमारे स्टॉक मार्केट में गिरावट देखने मिला वैसे वैसे देखिए यहाँ गोल्ड में तेजी देखने मिला है। तो ये रिवर्स रिलेशन होता है स्टॉक मार्केट और गोल्ड में। मार्केट में आपको गिरावट मिलेगा तो गोल्ड में तेजी देखने मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे जो इन्वेस्टर है वो अपना यहाँ से मतलब इक्विटी से निकाल करके गोल्ड में अपना शिफ्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट। बात करें तो बिटकॉइन देखिए काफी ज्यादा यहाँ पर गिरावट में देखने मिला है और यहाँ पर अभी फिलहाल कोई भी ट्रेंड रिवर्सल का साइन हमें देखने नहीं मिला है। तो यहाँ पर देखिए ये बिटकॉइन जो है एक चैनल में चल रहा है, तो देखिए ये डाउन ट्रेंड का चैनल है, तो ये रेसिस्टेंस लाइन हो गया और यहाँ पर देखिए ये सपोर्ट लाइन है। तो ये इस लाइन में मतलब जो है बिटकॉइन में लगातार गिरावट देखने मिला है, तो जो कि एक चैनल है। फिर बात करते हैं हम यूएसडीटी और आईआरआर के वर्सेस। देखिए यहाँ पर डॉलर जो है काफी स्ट्रॉन्ग हुआ है, मतलब रुपया कहीं ना कहीं काफी ज्यादा वीक हुआ और यहाँ पर अपना लगभग ऑल टाइम हाई के पास जाने हुआ, थोड़ा सा यहाँ पर कहीं ना कहीं रुपया मजबूत होता हुआ देखने मिला, मतलब थोड़ा सा गिरावट यहाँ पर डॉलर के वैल्यू में देखने मिला। तो डॉलर का वैल्यू जैसे जैसे कम होगा तो रुपया हमारा स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन फिलहाल रुपया काफी वीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये एनालिसिस आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, आप मार्केट के ब्रॉडर सिनेरियो मतलब जो अगले वीक का सिनेरियो है उसको समझ पाए होंगे, उसके अनुसार आप अपना ट्रेडिंग डिसीजन इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हैं। तो ऐसे ही एजुकेशनल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।